हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, या आप कह सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर आप इसको कह सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, हम यहाँ पे यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे कि यूनिट वाइज आपके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट वन से। यूनिट वन में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड विथ सूटेबल डायग्राम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसमिशन मोड के टाइप्स बताइए और उसके डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपको ट्रांसमिशन मोड पढ़ के जाना है, उसको डायग्राम के साथ देख के जाना है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज आर यूज इन कम्युनिकेशन सिस्टम। सो नेटवर्क टोपोलॉजी पूछी जा सकती है, जैसे आपने पढ़ा होगा बस रिंग, ये सारे आपके बस हुआ, रिंग हुआ, हाइब्रिड हुआ, मेश हुआ, ये सारी टोपोलॉजीज आप पढ़ के जाएंगे। आपके बहुत ज़्यादा ये आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है, डेफिनेटली ये आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया क्या होती है, अनगाइडेड मीडिया क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या, कौन कौन से आपके केबल्स आते हैं, या फिर आपका कौन सा मीडिया आता है, ये आपको पढ़ के जाना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। तो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट पढ़ के जाना है आपको, ये जब सिग्नल ट्रांसमिट होती है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके टाइप्स भी आपको पढ़ के जाना है। इसको मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए आप सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करते हैं, सेकेंड यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन आपको पढ़ के जाना है कि मॉड्यूलेशन एक्चुअल में क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, ये भी आपको देख के जाना है। ठीक है, इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है कि AM, FM और PM, ये आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। AM, FM और PM आपको बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं और इसको डायग्राम के साथ आप इसको वहाँ पे, अगर आता है आपको एग्जाम में तो डायग्राम के साथ आपको देख के जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, डिफरेंस बिटवीन ASK, FSK एंड TSK। तो आपका ये पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ASK क्या है, यानी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग क्या है, या फिर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग क्या है, ये सारे आपको इंडिविजुअल भी पूछे जा सकते हैं, या फिर इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो डिफरेंस आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक क्या होती है, या फिर डिफरेंट मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक आपने अगर नहीं पढ़ी है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक जैसे वेव डिवीज़न, फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, ये सारी टेक्निक्स आप पढ़ के जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यूनिट थर्ड पे। यूनिट थर्ड है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर मॉडल, इनको पढ़ के जाना है आपको, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए स्टार, कि ये आपका बहुत ज़्यादा आने का चांस है कि पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, इसको पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको डिफरेंस पढ़ के जाना है लैन मैन एंड वैन के अंदर, लैन मैन वैन क्या होता है ये भी आप पढ़ के जाएंगे, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, फिर आता है डिफरेंट स्विचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, पैकेट स्विचिंग, ठीक है, एंड मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, ये सारी स्विचिंग टेक्निक्स आपको पढ़ के जानी है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे यूनिट फोर पे। यूनिट फोर में क्या आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका एकदम डेफिनेटली छूटने वाला नहीं है, OSI रेफरेंस मॉडल आपको पढ़ के जाना है, OSI रेफरेंस मॉडल विथ डायग्राम आपको पढ़ के जाना है, OSI रेफरेंस मॉडल आपका आना ही आना है, या तो आपको OSI पूछेगा या तो आपको TCP/IP रेफरेंस मॉडल, इन दोनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा कि OSI मॉडल क्या है या फिर TCP/IP रेफरेंस मॉडल क्या है, दोनों को डायग्राम के साथ आपको देख के जाना है। ठीक है, इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन OSI एंड TCP/IP मॉडल, तो OSI और TCP/IP मॉडल में आपको डिफरेंस देख के जाना है, दोनों में क्या डिफरेंस है,
क्या चेंजेस आए हुए हैं, ठीक है, ये भी आपको कवर करके जाना है। फिर आपसे पूछ सकता है कि फंक्शन क्या है। अब देखिए, TCP/IP या OSI रेफरेंस मॉडल के अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो पर्टिकुलर लेयर से भी क्वेश्चन बना सकता है कि फंक्शन क्या है, इस पर्टिकुलर लेयर के क्वेश्चन फंक्शंस क्या हैं। तो कौन कौन से लेयर्स के ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं, तो फिजिकल लेयर आपको आ सकता है, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। ये चारों लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको एक तरह से शॉर्ट नोट पूछ सकता है कि HTTP क्या है, या फिर FTP क्या है, SMTP, SNMP या DHCP। इसमें आपको HTTP और ये आपका FTP, SMTP, SNMP, ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आपको देख के जाना है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बढ़ जाते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 में आपका क्या इंपॉर्टेंट है कि क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होती है और क्लासलेस एड्रेसिंग क्या होती है, ये दोनों पढ़ के जाना है कि क्लासलेस एड्रेस क्या है, क्लासफुल एड्रेसिंग क्या है, दोनों में किस तरह से मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, सुपर नेटिंग एंड सब नेटिंग। इन दोनों में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है या पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है कि सुपर नेटिंग क्या है और सब नेटिंग क्या है, ठीक है। तो ज़्यादातर डिफरेंस पूछा जाता है, तो आपका सुपर नेटिंग एंड सब नेटिंग का आपको डिफरेंस पढ़ के जाना है। फिर आपका आता है लूप बैक कॉन्सेप्ट। लूप बैक कॉन्सेप्ट भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है प्लेलिस्ट में, तो आप उसको देख लेंगे। इसके बाद आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए, ये IPv4 और IPv6 में आपको डिफरेंस डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो इसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यूनिट 6। यूनिट 6 में आपका पूछा जा सकता है ईथरनेट क्या है, या फिर हब, स्विच, राउटर, ये सारे आपको शॉर्ट नोट की तरह आपको पूछे जा सकते हैं। फिर आपका पिंग और IP कॉन्फिग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको भी, कि ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका पूछा जा सकता है कि कंपैरिजन बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई, यानी ब्लूटूथ और वाईफाई में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों को पढ़ के जाना है। फिर आपका वाईमैक्स और वाईफाई में भी डिफरेंस पूछा गया है, तो वाईफाई और वाईमैक्स को भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ सकते हैं वायरलेस सिक्योरिटी भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये आपके यूनिट 6 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आई थिंक मैंने सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है एग्जाम में। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो मैं सोल्यूशन भी बहुत जल्द लेकर आ रही हूँ, डेफिनेटली आज या कल में आपको मिल जाएगी इसके सोल्यूशन भी। तो इसको पूरा मैं एक साथ नहीं डिस्कस करूँगी, आपको यूनिट वाइज सोल्यूशन मिलेगा। तो आप इन क्वेश्चंस को अगर ना भी कर पाते हैं, तो आप अपने एंड से ये सारे क्वेश्चंस को देख के जाएंगे, प्लेलिस्ट में बहुत सारी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसका हेल्प ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।